नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। आबू रोड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाखर पुलिस चौकी निचलागढ़ के दो पुलिस कांस्टेबल ने पंचायत समिति सदस्य के साथ गाड़ी रुकवाकर गाली गलौज की। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति सदस्य दानबोर से आबू रोड आ रहा था। रास्ते में 5 लोग सदस्य की गाड़ी में बैठे थे। लोगों को इमरजेंसी में आबू रोड पहुंचना था। दादागिरी से पुलिस कांस्टेबल ने सदस्य को बुलाया, मां तक गाली दी। निचला खेजड़ा गांव के पास दो पुलिस कांस्टेबल खड़े थे, गायों का बड़ा लोडिंग टेम्पो को रुकवाया। उसी दौरान सदस्य सड़क से निकल रहे थे, सदस्य के साथ मां तक गाली गलौज की है। वीडियो में देख सकते हो कि कांस्टेबल ने गाली गलौज की। निचलागढ़ पुलिस चौकी के हैं दो पुलिस कांस्टेबल पंकज और राजेंद्र मीणा। घटना शुक्रवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है। मैं आबू रोड पंचायत समिति सदस्य देवाराम ग्रासिया, बाखर क्षेत्र से दानबोर उपला खेड़ा मेरे गांव से मैं आबू रोड आ रहा था। इस दौरान दो पुलिस कर्मी निचलागढ़ चौकी के निचला खेड़ा गांव के पास एक लोडिंग टेम्पो को रुकवाया हुआ रखा था। उस दौरान मैं सड़क से निकल रहा था, उसी दौरान दो पुलिस कर्मियों ने मेरे साथ मेरी माँ तक गाली गलौज की। इन पुलिस कर्मियों का दोनों का आतंक मचा रखा बाखर क्षेत्र में। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी माँ तक गाली दी है। मैं सिरोही SP महोदय साहब को निवेदन कर रहा हूँ कि दोनों पुलिस कांस्टेबल निचलागढ़ चौकी के हैं, उनको सस्पेंड किया जावे, मेरे को राहत मिले। ये आए दिन यहाँ आम लोगों के साथ ये व्यवहार करते हैं, तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे साथ माँ तक गाली दी है। वहाँ से फिर रवाना हुआ निचलागढ़ सोराय से अब रोड, जैसे टर्न मारा पुलिस कर्मी बाइक लेके दोनों वापस आए, मेरे साथ माँ बन तक गाली दी। लोगों ने बीस बचाव कर मेरे को वहाँ से रवाना किया समझाइश करके, और माँ बन तक गाली दी है। मैं सिरोही पुलिस अधीक्षक महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि इन दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जावे और यहाँ से बर्खास्त किया जावे।